मित्रों नमस्कार, ग्रीन इंडिया ऑर्गेनिक फार्म्स के यूट्यूब चैनल में सभी साथियों का स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो एक बहुत विशेष टॉपिक है। जो लोग अभी मेहनत कर रहे थे, जिनका अभी फ्रूट आने वाले थे या फ्रूट आने शुरू हो गए हैं, विशेष रूप से लौकी, तोरी और कद्दू के जो बेल वाली सब्जियाँ हैं, तो उसमें एक आम बहुत समस्या सामने आती है और ज़्यादातर अधिकांश लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि किस कारण से हो रहा है। ये आप देखिए, जैसे मैंने पहले आपको वीडियो में बताया था कि ग्रीन इंडिया की जो यूनिट है मेरठ वाली, जो पहली यूनिट है, वो उस पर से बहुत सारे मज़दूर जो हैं हमारे वहाँ से चले गए हैं, तो काफ़ी नुकसान हो गया है। दो दिन की लापरवाही में ही आप देख सकते हैं ये स्क्रीन पर। ये देखिए किस तरह से कद्दू की फसल जो है ख़राब हो गई है, ये देखिए आप। और आज का जो टॉपिक है वो यही है कि जो लोग घर पे भी गार्डनिंग कर रहे हैं, किचन गार्डनिंग कर रहे हैं, या खुद की अपनी सब्जी उगाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो किसान भाई हैं वो भी, तो आज हम आपको ये बताएंगे कि ये किस वजह से हुआ है, उसकी शुरुआत होती कैसे है। चलिए हम ही आपको बता देते हैं कि लापरवाही कहाँ हुई है। विशेष रूप से जो ये नुकसान हुआ है, ये इसके दो मुलजिम हैं, और उनमें से एक ही मुलजिम जो है वो असली है। और पहला जो मुलजिम है वो है लाल चींटियाँ। जी हाँ, आप देखेंगे कि जो कद्दू है, जिसे आपने चाहे कहीं ऊपर चढ़ाया है या नीचे है, तो कई बार हम देखेंगे कि उसमें लाल चींटियाँ लगी हुई हैं, तो हम ये सोचते हैं कि ये लाल चींटियों की वजह से है। या फिर दूसरा मुलजिम एक और होता है, जो बहुत जिसे किसान लोग ज़्यादा जानते हैं। ये बेसिकली आपने देखा होगा जो जो अमरूद के फल होते हैं, विशेष रूप से उनमें हमने देखा होगा छोटे छोटे लार्वा जो हैं वो हुआ करते हैं। तो अगर हमें इसके बारे में जानना है तो सबसे पहले एक छोटी सी एक वीडियो देख लेते हैं इसकी, कि समस्या है क्या और क्या किस कारण से हुआ है। मैं इसको वीडियो दिखा देता हूँ आपको। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से आपको दिखेगा ये आप देखिए, इसमें चींटियां एंट्री कर गई हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये छेद जो दिख रहे हैं, इसमें चींटियां जो हैं अंदर एंट्री कर गई हैं। और चींटियों ने क्यों एंट्री की है इसके अंदर, ये कारण भी आपको वीडियो में पूरा जब आप देखेंगे वो भी पता लगेगा। और आप देख सकते हैं कि कहाँ तक इसका असर आ रहा है। ये देखिए देखिए आप, ये वीडियो देखनी बहुत ज़रूरी है। और मैं सबसे पूछना भी चाहूँगा, जो यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको जानकारी है कि ये किस कारण से हुआ है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, तो आपको भी पता लगेगा कि आप कितना जान रहे हैं। अगर आप थोड़ी भी ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं या किसी भी तरह की आप सब्ज़ी उगा रहे हैं, अब आप देख के बताइए ये किस कारण से हुआ है, कौन सा रोग है ये। देखिए आप, बाकी जो पूरा एरिया है वो एकदम साफ है, लेकिन बीच में से देखिए सब ख़राब है, तो इसके पीछे क्या कारण है कोई बता पाएगा? देखिए आप, ये देखिए ये पूरा अंदर से ख़राब हो गया। चलिए हम आपको इसको और थोड़ा अच्छे से बताते हैं, आपको इसके आगे की भी वीडियो दिखाता हूँ मैं। देखिए कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है कि किस कारण से, केवल खाया हुआ दिख रहा है कि किसी छोटे इंसेक्ट ने इसको खाया, जैसे चींटियाँ होती हैं, लेकिन इसमें एक भी चींटी हमें नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन ग्राउंड में जहाँ पर ये रखा हुआ था, जहाँ पर ये लगा हुआ था बेल में, वहाँ पर चींटियाँ थी। देखिए आप, हमने इसको पूरा अच्छे से, ये देखिए बाकी बिल्कुल साफ़ है, लेकिन ये सब कुछ ख़राब हो गया है। खाने योग्य नहीं है, ये खाना नहीं चाहिए ये। मैं आपको इसके आगे की वीडियो भी दिखा देता हूँ। देखिए इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा, आप क्लोज़अप देखिए कि वास्तव में है क्या। ये हम पानी लेंगे थोड़ा सा, और पानी लेके आप देख पाएंगे कि वास्तव में समस्या क्या है। ये देखिए आप,
इसको यहाँ पे पोज कर लीजिए। देखिए आप, ये दिख रहा है आपको बीच में कटोरे में, नीचे आप तले में देखिए, ये है जी लार्वा। जी हाँ, और यही समस्या है। चींटी का तो लार्वा होता नहीं है, अब समझना आपको ये पड़ेगा कि लार्वा आया कहाँ से। जी ये लार्वा है फलों की मक्खी का, आपको बता दूँ जो फलों की मक्खी है वो इन दिनों में बहुत आती है, और कब कब आती है वो भी हम आपको बताएंगे अगले दो पार्ट में, एक और दो में। देखिए आप, देखिए कितना फास्ट ये लार्वा जो है चल रहा है, और ये पूरे में ही इसमें इस तरह का लार्वा है। तो समस्या अब हमें पता लग गई है, और बहुत ही बुरी स्थिति है और काफ़ी नुकसान हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है फलों की मक्खी जो है विशेष रूप से ज़्यादातर जो हमारा अमरूद होता है उसमें बहुत बैठती है। आपने देखा होगा अमरूद के अंदर सबसे ज़्यादा लार्वा निकलते हैं। तो आपने जो ऑर्गेनिक सेक्टर में जो हमने सिखाया है वो आपको बताया है कि किस तरह से हम नीम कल्चर या जो बाकी जो पेस्टिसाइड हम यूज़ कर सकते हैं, चाहे चाहे धतूरा है चाहे कनेर है, उसका भी एक वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं इसके बाद, जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो मक्खी है ये बहुत बड़ी समस्या है, इसका हम ऑर्गेनिक तरीका आपको अगले दो वीडियो में पूरा बताएंगे कि उससे अलग हम क्या तैयारी कर सकते हैं, कि हमें जो नॉर्मल हम जो पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं उससे अलग हमें क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, और इस मक्खी का क्या स्वभाव होगा, ये कैसे कब कब आती है, और हमें कब कब क्या क्या तैयारी करनी है, हमें इसे कैसे अपने फलों को इससे बचा सकते हैं, कैसे डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं और कैसे दूर रख सकते हैं, पूरा ऑर्गेनिकली पूरा जो तरीका है वो आपके साथ साझा किया जाएगा। इसके लिए आप जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। पार्ट टू और पार्ट थ्री आपको देखना होगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी नहीं बनाएंगे हम, अब इसको पार्ट में कन्वर्ट करके इसको पूरा पूरा सीरीज़ की तरह तीन वीडियो में हम इसको ख़त्म कर देंगे, पूरा जो चैप्टर है फल की जो ये मक्खी है जो समस्या है। और उसके बाद लाल चींटी का भी हम अलग से बनाएंगे, क्योंकि लाल चींटियों से भी कई बार समस्या हो जाती है, तो वो भी हम कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और लौकी पर भी बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, तो लौकी पे भी वीडियो बनाई जाएगी कि लौकी में या तोरी में जो हमारे गार्डनिंग सेक्टर के जो लोग हैं जो घर पे बहुत मन से बेचारे सब्जी उगाते हैं, लेकिन किन कारणों से उनके फूल झड़ जाते हैं या फूल बड़ा क्यों नहीं होता, तो उसके चार बेसिक रीज़न होते हैं, उसके बारे में भी एक हम शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए इतना, धन्यवाद।